वेलकम स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का क्वेश्चन है पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 11.3 में जो क्वेश्चन नंबर 6। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। साइना वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ सर्कुलर टेबल। लेस का मतलब हो गया जैसे ये जो बॉर्डर है ना, इसे कहते हैं लेस। अगर टेबल है, कपड़ा होता है, उसके आसपास लेस लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है उसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टावर है, अब ये लेस कहलाता है ताकि इसका जो है जो रेशे हैं वो निकले नहीं। तो साड़ी में भी जो है फॉल लगाई जाती है, आप अपनी मदर से पूछना अगर आपको नहीं पता हो तो फॉल लगाई जाती है ताकि उसके जो थ्रेड्स हैं वो निकले नहीं, बांधने के लिए बेसिकली। तो ऐसा हमेशा करा जाता है। तो लेस का मतलब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज, बता भी दिया उसने एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल। अगर उसने एज बोल दिया तो एज का मतलब क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कल के केस में सर्कमफ्रेंस, अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर या ट्रायंगल होता तो उस केस में क्या हो जाता, पेरीमीटर। यस यू आर राइट। तो गोल वाली चीज में सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और अगर पॉलीगन होता है तो हम उसको पेरीमीटर कहते हैं। कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर, तो उन्होंने उसका डायमीटर दे दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ लेस एंड कॉस्ट। तो पहले तो लेस की लेंथ निकाल लेते हैं अपने फॉर्मूले से, जरा जल्दी से कर लेते हैं इसको आंसर। तो डायमीटर आपको दे दिया है 1.5 मीटर। पहले पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था ये चीज, अगर आपको नहीं पता हो, 2πr होता है जिसको हम पाई डी भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2r जो होता है वो डायमीटर के बराबर होता है। मैं आपने लिख भी देता हूं, ठीक है, डायमीटर जो होता है 2r होता है, 2 times रेडियस। अगर ये चीज नहीं पता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको एक अलग से वीडियो दिखा दूंगा। 2 videos मैंने बनाई है इसके ऊपर जिसके अंदर मैंने समझाया है क्यों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या आ गई, अब यहाँ पे 3.14 दिया है तो हमें वही लेना पड़ेगा। मेरी खुद की आदत है मैं 22/7 ले लेता हूँ बहुत बार, तो एक क्वेश्चन में मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ी थी मुझे वीडियो की, तो मैं आपसे दर्द शेयर कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने पूरा क्वेश्चन 22/7 से मैंने सॉल्व कर दिया और बाद में ध्यान दिया अरे इसमें 3.14 लेना था। तो समझाने वाली बात है तो आपको मैं समझा रहा हूँ साथ में। 3.14 डायमीटर है 1.5। डेसिमल की मल्टीप्लीकेशन अगर गड़बड़ लगती है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें, नंबर को भूल के मल्टीप्लाई कर दें। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो जल्दी से मल्टीप्लाई। 5 4 20 वन, 5 आया, 10 2 7 15, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 3, तो आंसर आ गया 0 11 मतलब 1 5 6 7 हो जाए 4, तो आंसर आएगा 4710। देखो मैंने सिंपल मल्टीप्लीकेशन करी है। अब ध्यान दें, यहां से इस तरफ 1 के बाद डेसिमल, यहां से इस तरफ 2 के बाद डेसिमल, तो 2 और 1 3 के बाद डेसिमल, तो आंसर आ जाएगा 4.710। क्वेश्चन जिसमें था मीटर में था, तो मीटर, तो क्वेश्चन जिसमें होता है उसी में ही निकालते हैं जो यूनिट में होता है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन तो हो गया फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस। तो हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, और सिंपल लिख सकते हैं 4.71 मीटर। 0 एट द एंड कोई जरूरत नहीं होती, ये आंसर हो गया हमारा। तो स्टेटमेंट लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला डायमीटर ये रहा सर्कमफ्रेंस निकालो, ऐसा नहीं बोला। हमने क्या करा है, एक रियल लाइफ क्वेश्चन को पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग में करके उसका सॉल्यूशन करा है, तो वापस उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो रियल लाइफ मैथ और फिर रियल लाइफ, मैं कहूंगा इस तरीके से लगता है, ठीक है। तो मैं रियल लाइफ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हम उसको मैथ में बदलते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग में बदलते हैं, फिर वापस हम उसको रियल लाइफ में उसको छोड़ना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे समझ नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट, तो हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कॉस्ट एंड कॉस्ट इफ 1 मीटर
कॉस्ट ऑफ दिस 15, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितनी है, 15 रुपए। अच्छा 2 मीटर कितनी होगी, 20 रुपए। 3 मीटर कितनी होगी, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, 45 रुपीज। तो हम लिख देंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर विल बी रुपीज 15 × 4.71। तो मैं 4.71 को 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो कहने का मतलब है 471 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 35 23, और यहां पर आ जाएगा 471 5 6 10 और यह 7। सो आंसर यहां पर आ जाएगा रुपीज 7065। भैया डेसिमल लगाना मत भूलना, डेसिमल लगाओगे नहीं तो क्वेश्चन में इतना पैसा देना पड़ जाएगा, 2 के बाद डेसिमल। तो अभी 70 रुपए देने थे, आप 7000 रुपए दे रहे थे। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ करनी हो तो मेरा अकाउंट नंबर भी ले लो, तो ऐसी गड़बड़ जरूर करके मुझे अकाउंट में ट्रांसफर जरूर करना। अगर पसंद आई हो अभी तक की वीडियो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।